नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से दूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं पूछते, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं किया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आँखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पाँव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है, अरे लोमड़ी उसे मत खा, नहीं तो तू दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं, मृदंग की ध्वनि धिकतम धिकतम करके लोगों का धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी जब बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच पर नहीं गिरती, उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उसमें धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती, उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है, पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यह दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला कि यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हैं? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है, वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिकता ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। पहला सद्गुणों में प्रीति, दूसरा मीठे वचन, तीसरा दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, चौथा मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, पांचवा गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, छठा मन की गहरी शांति, सातवां शुद्ध आचरण, आठवां गुरु की परख, नौवां शास्त्र ज्ञान की अनुभूति, दसवां रूप की सुंदरता, ग्यारहवां भगवत भक्ति। कल्प तरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निछल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्यादा समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गए, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है?
राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल सीखें, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं, झगड़े पर आमदा आदमी, अपनी पत्नी को दूषित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।